जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर मनीष सिसोदिया जी ने शराब के ठेके बांटे रेवड़ी की तरह दिल्ली में, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी ठेके दिए गए और अपने दोस्तों को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उनके साथ जो याराना निभाया 144 करोड़ रुपया उनका माफ करके, आप सोचिए दोस्ती भी किससे, शराब माफियों से। अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी भली भांति जानते हैं कि जो हश्र सत्येंद्र जैन जी का हुआ है वही हश्र मनीष सिसोदिया जी का होने वाला है, क्योंकि कानूनी रूप से वो गलत है ये भली भांति रूप से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जानते हैं। कल भी आपने देखा था कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए, भारतीय जनता पार्टी ने फ्रीबीज को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति को हमने एक्सपोज किया, तो वहीं फिर से एक बार नासमझी और झूठ से भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मनीष सिसोदिया जी ने और संजय सिंह जी ने लोगों को बरगलाने की कोशिश की। राइट ऑफ, वेव ऑफ, कर्ज माफी, इन सभी विषयों को लेकर आम आदमी पार्टी ने जनता को बरगलाने की कोशिश की। बंधुगण, ये आज एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी, इनकी सारी पोल पट्टी, इसकी खुलासा जो है ये खुलासा आज हम करने वाले हैं। आपको भी लग रहा होगा अचानक ये विषय क्यों महत्वपूर्ण बन गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब रेवड़ी कल्चर के विषय में बताया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब फ्रीबीज के विषय में बताया था, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो नाम नहीं लिया था। उन्होंने इस प्रकार से कहा था कि हिंदुस्तान की राजनीति किस प्रकार से सुचारू रूप से जन कल्याण का काम करते हुए आगे बढ़े, किंतु अरविंद केजरीवाल जी को लगा कि यह मेरे लिए ही कहा गया है और आज तक उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की लड़ी लगी हुई है। दरअसल इसके पीछे का सत्य क्या है वो आज हम खुलासा करेंगे। पहला विषय है, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये एक एंटीसिपेटरी बेल है मनीष सिसोदिया जी के लिए। आप सभी जानते हैं मनीष सिसोदिया जी एक्साइज के पूरे घोटाले में संलिप्त है, किस प्रकार से जिन लोगों को टेंडर नहीं देना चाहिए, जिन शराब माफियों को मैन्युफैक्चरिंग रिटेल में नहीं आ सकते हैं, उन मैन्युफैक्चरर्स को, उन शराब माफिया को, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर मनीष सिसोदिया जी ने शराब के ठेके बांटे रेवड़ी की तरह दिल्ली में, एलजी के विषय को ताक में रखकर जिस प्रकार से यहां शराब के ठेके खोले गए, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी ठेके दिए गए और अपने दोस्तों को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उनके साथ जो याराना निभाया 144 करोड़ रुपया उनका माफ करके, आप सोचिए दोस्ती भी किससे, शराब माफियों से। जो शराब के माफिया हैं उनके साथ दोस्ती निभाते हुए जनता की गाढ़ी कमाई से 144 करोड़ रुपया, इसका माफी, इसको जो है एक तरह से जनता से लेकर के इन माफिया के हाथ में देना, यह याराना केजरीवाल जी, उनकी सरकार और मनीष सिसोदिया ने किया है। कैबिनेट में ये सारा कुछ पहले पास कराया, उसके बाद उसे खारिज किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनसे गलती हुई है। आज अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी भली भांति जानते हैं कि जो हश्र सत्येंद्र जैन जी का हुआ है वही हश्र मनीष सिसोदिया जी का होने वाला है, क्योंकि कानूनी रूप से वो गलत है ये भली भांति रूप से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जानते हैं। तो इसलिए इन्होंने निर्णय लिया है कि चलो हंगामा बरपाए, आगे चलकर सच्चाई सामने आएगी। यह पूरा विषय कानून का है, कानून से भी आम आदमी पार्टी को संरक्षण नहीं मिलने वाला है, इसलिए फ्रीबी 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 करके, इस पर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी की सरकार के ऊपर हमला बोल करके कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जी के एंटीसिपेटरी बेल के लिए ये एप्लीकेशन चल रहा है। जब
मनीष सिसोदिया पे गाज गिरेगा तो बताएंगे देखो हमने तो अटैक किया था इसलिए हमें इस प्रकार से भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे इसलिए मनीष सिसोदिया जी के ऊपर ज्यादती हो रही है। तो पूरा का पूरा मामला यही है। और इसके साथ साथ कुछ और खुलासे, क्यों ये जो फ्रीबी की राजनीति, ये जो रेवड़ी की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। ये अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक फेक न्यूज भी ट्वीट किया, उनके किसी कार्यकर्ता ने ट्वीट किया था कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं वो भी गदगद हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी के ये स्कूल मॉडल से, तो वो भी उसका अध्ययन कर रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा ये फेक न्यूज था, ये कोई पेड न्यूज इत्यादि था, उसको अरविंद केजरीवाल जी ने अपने प्रोपागेंडा के लिए ट्वीट किया था। ये पूरा खुलासा आप लोगों ने किया है। एजुकेशन का ढिंडोरा पीटते रहते हैं अरविंद केजरीवाल कि हमारा स्कूल मॉडल ऐसा है, हमारा स्कूल मॉडल वैसा है। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी का स्कूल मॉडल कैसा है? 2015 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और जब वो मुख्यमंत्री बने, उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने वायदा किया था, आम आदमी पार्टी ने वायदा किया था कि हम सत्ता में आएंगे 500 स्कूल बनाएंगे। उसके बाद लोगों ने आरटीआई डाला अभी कि बताइए कितने स्कूल बन गए, आपने तो वादा 500 स्कूल का किया था, बनना तो दूर। 16 स्कूल बंद हो गए हैं, ये आरटीआई के माध्यम से मालूम पड़ा है, 16 स्कूल बंद हो गए हैं। देयर आर 16 नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स विच आर क्लोज ड्यूरिंग 2015 टू 2021, ये आरटीआई का मैं पढ़ रहा हूं। 500 स्कूल बनने थे, 16 स्कूल बंद हो गए। अगर मैं गलत हूं, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने चोरी चोरी चुपके चुपके अदृश्य 500 स्कूल बना दिए हैं तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिखा दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि कहां कहां 500 स्कूल बनाए। दिल्ली में कुल मिलाकर के 1030 स्कूल है। अब ये 1030 स्कूलों में आपको जान के आश्चर्य होगा, वैसे आश्चर्य नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल जी को आप भी जान गए हैं, 701 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, प्रधानाचार्य 701 स्कूल में नहीं है। 1000 स्कूल में से 700 स्कूल में प्रधानाचार्य नहीं है और 745 स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाया जाता है। इनके स्कूल के मॉडल को देखिए, ये जो फ्रीबी कर रहे हैं कि हम जनता के लिए अपनी जान तक को न्योछावर करने के लिए तैयार है, ये कर रहे हैं। 745 स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारा कुछ आरटीआई में है। 416 स्कूल में उप प्रधानाचार्य नहीं है, उससे पहले बताया गया है कि किस प्रकार दिल्ली में 745 स्कूल में प्रधानाचार्य नहीं है और ठीक उसी प्रकार किस प्रकार से 745 स्कूल्स में जहां प्रधानाचार्य नहीं है वहां साइंस भी नहीं पढ़ाई जाती है। कितने स्कूल में टीचर की वैकेंसी है? 16,834 ये स्कूल्स की टीचर की वैकेंसी है। और क्या आप कह रहे हैं कि आप तो बहुत फ्री दे दे रहे हैं, आप तो कमाल कर रहे हैं, यूएस और यूके एकदम सो नहीं रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वो सब अरविंद केजरीवाल रट रहे हैं क्योंकि इतना बढ़िया काम केजरीवाल जी कर रहे हैं। अरे 20,000 के आसपास टीचर आपके स्कूल में नहीं है, किसी स्कूल में प्रधानाचार्य नहीं है, साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है। और ठीक इसके विपरीत मैं आपको कंपेरेटिव डाटा देना चाहता हूं। मोदी जी के साथ हमेशा अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। आप जानते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत सरकार के स्कूलों में, 2014 में आने के पश्चात हैंड वॉश की फैसिलिटी 2012 से 13 में केवल 36% स्कूलों में थी, जो 19 से 20 में बढ़कर 90.2% स्कूल में हो गई। गर्ल्स की टॉयलेट 2012 से 13 केवल 88% स्कूलों में थी, 88% स्कूलों में थी, जो 19-20 में बढ़कर 96.9% स्कूलों में हो गई। ठीक उसी प्रकार हायर एजुकेशन में जो नंबर ऑफ कॉलेजेस 2013-14 में 36,634 था, 19-20 में बढ़कर के 42,342, अर्थात हर दिन दो कॉलेज स्थापित हो रहे हैं भारतवर्ष में 2014 के बाद। ठीक उसी प्रकार हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी भारत में बन रहा है 2013-14 के बाद, जहां 2013-14 में 723 यूनिवर्सिटी थे, आज 1043 यूनिवर्सिटी है। ये है कंपैरिजन। हेल्थ, ये क्या है, एक हो हल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक नहीं, ये हो हल्ला क्लिनिक ही है। ये पूरा अमेरिका का राष्ट्रपति सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आश्चर्यचकित है, ये कैसे इतना हो हल्ला क्लिनिक खुल गया।
गली गली में हो हल्ला, अरे बोल रहे थे 1000 हो हल्ला क्लिनिक खुलेगा, 200-300 हो हल्ला क्लिनिक, वो भी आधे आधे डब्बे जैसे हैं, उसमें 3 आदमी बैठ नहीं सकते। इसको खोल करके हो हल्ला मचाया हुआ है पूरे भारत में कि हम ये खोल दिया, हम खोल दिए। और इसका एडवर्टाइजमेंट केरल में कर रहे हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट गुजरात में करते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट कर्नाटक में करते हैं। और आप बीजेपी पे विश्वास करिए नहीं करिए, हाईकोर्ट ने क्या कहा, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ये हो हल्ला क्लिनिक का क्या फायदा है, अगर पैंडेमिक के समय ये ट्रीटमेंट तक ना दे सके लोगों को, इसका क्या फायदा है। जब लोग कोरोना से पीड़ित थे, पैरासिटामोल तक नहीं था इन हो हल्ला क्लिनिक में, खाली हो हल्ला करना, कुछ काम नहीं करना, ये है इनके हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल। अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे कि 30,000 बेड हम आते ही ऐड कर देंगे। आपको पता है कुल मिलाकर के दिल्ली में 38 हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार के, 11,000 बेड है, ये 2015 से पहले 11,000 बेड थे, अब बढ़ करके 12,000 बेड हो गए हैं, 30,000 ऐड करने वाले थे बोल रहे थे, कुल मिलाकर के 800-900 बेड ऐड किया है और इतना जोर हल्ला मचाया है। और बोल रहे थे इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि विदेश से भी लोग जो आते हैं इंडिया, वो सब देख के एकदम अवाक रह जाते हैं। खुद इनके मंत्री के जो मंत्रिमंडल के लोग, उनके जो परिवार के सदस्य हैं, इन्होंने इस साल 1,25,00,000 रुपया का ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल से लिया है, इसको रिएम्बर्स दिल्ली सरकार ने किया। अरविंद केजरीवाल जी आपको याद है ना, 2015 में जब भाषण दे रहे थे तो बोले थे हम ऐसा स्कूल खोल देंगे कि जितने हमारे मंत्री हैं और हमारे जो MLA होंगे, सबके बच्चे उसी में पढ़ेंगे, कोई और प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएगा, एक का बच्चा नहीं पढ़ रहा उसमें। मैं चैलेंज कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी को, आपका भाषण है, अंबेडकर नगर में भाषण दिया था, वो भाषण भी हमारे पास है, समय नहीं होता तो दिखाते भाषण भी। आपने कहा था सभी मिनिस्टर और MLA के बच्चे वहां स्कूल में पढ़ेंगे, आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए, इतना वर्ल्ड क्लास स्कूल खोल दिया है, कितने आपके मिनिस्टर और आपके MLA का बच्चा उसमें पढ़ रहे हैं, कोई नहीं पढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार आपके लोग ट्रीटमेंट भी हो हल्ला क्लिनिक में नहीं ले रहे हैं, गरीबों को आप झांसा दे रहे हैं। और रह गया नौकरी, ये अरविंद केजरीवाल जी एक दिन भाषण में बोले थे अभी कुछ दिन पहले कि 1,00,000 लोगों को नौकरी दे दिए, कहीं तो छाप दिया था कि 2,00,000 लोगों को देंगे, 1,00,000-2,00,000 में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फटाफट छाप देते हैं 2,00,000, भाषण में 1,00,000 बोल देते हैं। फिर किसी ने RTI डाल दिया, पहले RTI में आया 3,246, इतने लोगों को नौकरी दिया है, 1,00,000 बोला, उसके अगले दिन RTI में आया 3,246 लोगों को नौकरी दिया। फिर बाद में RTI का डिटेल आया, उतना भी नहीं था, 849 लोगों को दिया है, 849 लोगों को नौकरी दिया है कुल मिला करके, ये डिटेल पूरा मेरे पास है। और आप जानते हैं अभी दिल्ली में जो पोर्टल है उसमें 15,13,000 लोग अभी अनएम्प्लॉयड उसमें रजिस्टर्ड है। अभी 2-4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में जाके बोल रहे थे जिसको नौकरी नहीं मिली मैं भत्ता दूंगा, बोले थे ना 1,000-1,000 रुपये सबको भत्ता दूंगा, कोई चिंता मत करो, सबको नौकरी दे दूंगा और जो थोड़े लोग बच जाएंगे उनको हम भत्ता दे देंगे। अरविंद जी ये 15,13,000 लोग दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं जिनको नौकरी चाहिए, जो अनएम्प्लॉयड है, आपके पोर्टल में रजिस्टर्ड है, नौकरी दिया है 849 लोगों को, कितने बाकी लोगों को आपने भत्ता दिया है बताएंगे जरा, कितना भत्ता दिया है? दिल्ली में एक व्यक्ति को 1 रुपया भत्ता नहीं दिया है और जाके पूरे वर्ल्ड में गाना गाते हैं भत्ता 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 दे देंगे, करना कुछ नहीं है, केवल हल्ला मचाना है। इनका फाइनेंशियल मॉडल, दिल्ली सरकार के फाइनेंशियल मॉडल के बारे में आप जानते हैं, दिल्ली सरकार का मैं पूरा CAG का रिपोर्ट लेके आया हूँ, बहुत दिन बाद CAG का रिपोर्ट आया है, मैं सब रिपोर्ट लेके आया हूँ, आज आपको रिपोर्ट पढ़ता हूँ। ये मनीष सिसोदिया जी 3 दिन पहले बोल रहे थे कि हम लोगों को तो रेवेन्यू सरप्लस है, हम लोग बोला था ना हम रेवेन्यू सरप्लस हैं, हम इतना सब लोगों को दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास बहुत रेवेन्यू है। ये CAG ने पोल पट्टी सब खोल दिए। CAG क्या कहती है? CAG कहती है द रेवेन्यू सरप्लस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट इन 2019-20 वाज 7,499 करोड़, इंडिकेटिंग दैट द रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट वेर सफिशियंट टू मीट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। The Delhi government had been able to maintain the revenue surplus largely on the account of pension liabilities of its employees being borne by the central government. In addition, expenditure of Delhi police is also borne by the Ministry of Home Affairs, Government of India. कि ये जो surplus बता रहे हैं 7,499 करोड़ का,
वो सरप्लस इसलिए है क्योंकि पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। और फिर सोचिए पोल पट्टी क्या खोलती है सीएजी, दिल्ली गवर्नमेंट्स डेट इंक्रीज्ड बाय नियरली 7% इन द 4 ईयर पीरियड अप टू 2019-20, जब से केजरीवाल जी बने 2015 में सीएम और 20 तक 4-5 साल में 7% कर्ज बढ़ गया दिल्ली का। द डेट इंक्रीज बाई 2,268.93 करोड़ फ्रॉम 32,497 करोड़ एट द बिगिनिंग ऑफ 2015-16 टू 34,766 करोड़ एट द एंड ऑफ 2019-20। मतलब लगभग 3,000 करोड़ रुपया का कर्ज अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। सेंटर से पैसा लेके ये रेवड़ी बांटने का काम करने का जो अपने ऊपर ये महिमा मंडन अपना कर रहे हैं, इसका पूरा का पूरा चिट्ठा जो है सीएजी ने खोला है। उसके बाद और देखिए सीएजी क्या कहती है। सीएजी कहती है कि द डेवलपमेंट फंड लैप्स्ड ड्यू टू नॉन यूसेज ड्यूरिंग 2015-16 टू 2019-20 49,700 करोड़। ये फंड लैप्स हो गया, ये डेवलपमेंट का फंड आया था, केजरीवाल जी डेवलपमेंट फंड इस्तेमाल नहीं किए इसलिए वो लैप्स हो गया। 39 schemes आर ओनली ऑन पेपर, नो मनी स्पेंट ऑन 39 schemes। लोन इंक्रीज ऑन दिल्ली गवर्नमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स, जो मैंने आपको बताया कर्ज कितना बड़ा 2,268 करोड़। हाउसेज बिल्ट फॉर पुअर, जो गरीब कल्याण घर जो देना है प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादि के बंद, 93% हाउसेज अनअलॉटेड। Houses built for the poor before 2011 but not yet allotted lying vacant resulting in deterioration. घर बना हुआ है मगर वो allotment नहीं हो पा रहा है, घर खराब हो रहे हैं। मगर हमारे से पहले भी जो योजना थे, जो घर बने थे गरीबों के लिए, वो भी allot नहीं कर पाए हैं केजरीवाल जी अभी तक। Number of account of 100+ crore, आप देखिए spent on ads, 100 करोड़ से अधिक ad में spent की है। 70 lakh स्पेंट ऑन एड्स टू ब्लेम सेंट्रल गवर्नमेंट, 70 lakh केवल जो एड है वो ब्लेम करने के लिए स्पेंड किया गया है मगर इसका हिसाब दे नहीं पा रहे हैं। 85% एड्स आउटसाइड ऑफ दिल्ली, 85% जो एड है 33.4 करोड़ रुपया ये दिल्ली से बाहर खर्च किया गया है, दिल्ली में खर्च नहीं किया गया है। ठीक उसी प्रकार 94% ऑफ फंड अनयूटिलाइज्ड फॉर द लेबर वेलफेयर स्कीम, जो लेबर वेलफेयर स्कीम के लिए पैसा आया था उसमें 94% उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। डीटीसी में एक बस नहीं खरीदा गया है और 5,280 करोड़ का नुकसान है। आप सोचिए जरा इस प्रकार की परिस्थिति दिल्ली सरकार की है। और सबसे बड़ी बात जो अभी मैं बताने वाला हूं, आप सबको याद होगा जब शीला दीक्षित थी तो खैर अरविंद केजरीवाल जी एक बैग लेके चलते थे, बोलते थे इस बैग के अंदर शीला दीक्षित की सारे जो काले कारनामे हैं वो भरती हैं, जैसे ही मैं आऊँगा उनको जेल में डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि शीला दीक्षित जी ने जो बिजली कंपनी है उसको 300 करोड़ रुपया का सब्सिडी दिया है। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली कंपनियों को इस साल कितने का सब्सिडी दिया है? 3,200 करोड़ का सब्सिडी दिया है। अपने यारों को, अपने मित्रों को बिजली कंपनी वालों के साथ साठगांठ करके उनको 3,200 करोड़ रुपया का सब्सिडी दिया है। 300 करोड़ वाले तो चोर थे, उनको जेल में जाना चाहिए था। अब ये 3,000 करोड़ रुपए वाले बिल्कुल बहुत साधु है, बिल्कुल दूध का धुला हुआ है, वो सब ठीक है। ये सारा का सारा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ये जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके पीछे दो कारण है। कारण नंबर एक, एंटीसिपेटरी बेल जो मैं बता रहा था कि मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी ने मिलकर जो घोटाले किए हैं अब उसका गाज गिर रहा है तो उससे बचने की चेष्टा। दूसरा, उनकी नौकरी, उनकी स्कूल्स और उनके स्वास्थ्य की जो योजनाएं थी अब वो धीरे धीरे सामने आने लगे हैं तो स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर किस प्रकार से अपने आप को बचाएं, इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है। एक और अच्छी बात आपको बता दिया जाए कि अरविंद केजरीवाल जी जो हेल्थ के लिए इतना बताते हैं, मैं पंजाब का भी कुछ विषय लेके आया हूं। देखिए ये जो पंजाब सरकार थी इससे पहले और अभी जो पंजाब सरकार आई है आम आदमी पार्टी की,
अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, पीजीआई को 16 करोड़ रुपए दे नहीं पाई। पीजीआई का 16 करोड़ रुपए बकाया था, तो पीजीआई ने पंजाब के लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत ट्रीट करने से मना कर दिया है, क्योंकि 16 करोड़ रुपए बकाया है। अरविंद केजरीवाल जी 19 करोड़ रुपए एक एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करते हैं, मगर 16 करोड़ रुपए लोगों का दे नहीं पाते हैं, जिससे लोगों की ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है। ठीक उसी प्रकार आयुष्मान भारत के अंतर्गत कुल मिलाकर के पंजाब सरकार का जो बकाया रकम है, अनेकों हॉस्पिटल है, 300 करोड़ रुपए बकाया है, जिसको नहीं चुकाने के कारण बहुत सारे हॉस्पिटल आज पंजाब के लोगों को आयुष्मान भारत से वंचित रख रहे हैं। इसलिए प्रश्न उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी, इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से अच्छा है एक बार ये जो रकम बकाया है ये चुकता कर दीजिए, और जो फ्रीबीज रेवड़ी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसे बंद करके आप सही मायने में जनता के लिए वेलफेयर स्कीम्स लाइए, उनके लिए आप चिंता करिए। बंधुगण, ये तो अरविंद केजरीवाल जी का विषय था, मगर कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक में भी आज एक गंभीर विषय सामने आया है। एक मिनट में उसके विषय में भी आपको अवगत करा दूं। प्रियांक खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सुपुत्र भी हैं, जो एमएलए भी हैं और स्पोक्स पर्सन भी है कर्नाटक कांग्रेस के, उन्होंने आज एक बहुत ही, मैं कहूँगा, घिनौना टिप्पणी महिलाओं को लेकर किया है। किसी भी राजनेता को इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और खास करके कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करने के लिए जानी जाती है। प्रियांक खड़गे जी ने कहा है कि जिन जिन महिलाओं को बीजेपी के शासनकाल में नौकरी मिली है कर्नाटक में, सरकारी नौकरी मिली है, वो काउच के कारण मिली है। अर्थात मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं, उसका अर्थ तो आप समझते ही हैं, शारीरिक संबंध बनाने के कारण से मिले हैं। देखिए, राजनीति अपनी जगह में है, आप सरकार पे हमला करिए, मगर यह हमला सीधे सीधे जो नौकरीशुदा महिला है उनके ऊपर है। दिस इज अ जनरलाइजेशन अगेंस्ट वुमन। द काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट मल्लिकार्जुन खड़गे सन प्रियांक खड़गे, हु इज एन एमएलए एंड हु इज ऑल्सो द स्पोक्स पर्सन ऑफ कर्नाटक कांग्रेस, हैज पास्ड इज एब्सोल्यूटली अपॉलिंग, इज एब्सोल्यूटली डिमीनिंग ऑफ द वुमन कम्युनिटी एज अ होल इन जनरल। ये मातृशक्ति के लिए एक गाली है। जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं आज कर्नाटक में, जो सरकारी नौकरी में है, इजंट दिस सम काइंड ऑफ फिंगर पॉइंटिंग ऑन देम? इजंट इट डिमीनिंग देम? फ्रॉम दिस हाई टेबल आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन से भी अपील करूंगा कि इस प्रकार के बयान के कारण प्रियांक खड़गे जी से सवाल पूछा जाए कि उन्होंने महिलाओं के लिए इन जनरल इस प्रकार की स्टेटमेंट क्यों दी। और मुझे लगता है जिस पार्टी की अध्यक्षा स्वयं एक महिला हो, और जिस पार्टी में श्रीमती वाड्रा कहती है लड़की है लड़ सकती है, वहां महिलाओं के लिए इस प्रकार की कुलचित सोच अगर किसी नेता के मन में है, तो मुझे लगता है ही शुड बी रिप्रिमांडेड बाय नन अदर देन सोनिया गांधी एंड श्रीमती वाड्रा।